अमृत इम्तिहान लेती है गिब्स, मगर जिंदगी का मजा तभी है जब मौत बिन बुलाए आए। हमारे वजूद का हर हिस्सा जिंदगी की आखिरी घड़ी तक एक रहस्य बनकर रह जाता है, वही तो मजा है। और फिर क्या पता मैं कयामत तक जी भी सकता हूँ, आखिर मृत्युंजय अमृत की खोज करने वाला मैं ही तो हूँ। कल क्या होगा कह नहीं सकता गिब्स, लेकिन जैक स्पैरो हमेशा समुद्री लुटेरा रहेगा, समझे? दोस्तों व्हाट इज लाइफ, जब मैंने क्वेश्चन गूगल से पूछा था तो मुझे लाइफ की एक डेफिनेशन मिली थी, वो डेफिनेशन मिली थी जो हमारी डिक्शनरी में होती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन लाइफ की एक्चुअल मीनिंग है क्या? वेल, लाइफ इज दिस, लाइफ इज दैट, लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, अ ग्रैंड गिफ्ट ऑफ गॉड, अ ग्रेट ग्रैंड गिफ्ट ऑफ गॉड, बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, क्या क्या है? और इस चीज़ को सुनिए, लाइफ इज अ ड्रीम फॉर द वाइज, अ गेम फॉर द फूल, अ कॉमेडी फॉर द रिच एंड अ ट्रेजेडी फॉर द पुअर। सीरियसली, एक क्वेश्चन है, उसके कई आंसर्स हैं, लेकिन देखा जाए तो लाइफ की एक्चुअल मीनिंग है क्या? अगर लाइफ को एक सेंटेंस में, एक गो में, एक बारी में डिस्क्राइब करना हो तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन होगी क्या? तो वो होगी, लाइफ इज अ गैम्बल, गैम्बल बोले तो जुआ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद अस टुमारो। यानी कि आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता नहीं क्या आपके साथ कल क्या होने वाला है। कभी हमारे साथ अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ ईच एंड एवरी मसाला, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची, हर एक चीज इसमें मिक्स है। और मैं आपको एक लाइफ का एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 20 बट आर बरीड एट 50। आई रिपीट, मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 20 बट आर बरीड एट 80। अब जो चीज़ मैंने आपको बोली अभी है ना, उसके पीछे बहुत गहरी मीनिंग छुप रखी है, तो आपको उस मीनिंग को ढूंढना है। आई रिक्वेस्ट टू पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो में मेरे बाल जो है ज़रूर सफ़ेद दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में मेरे बाल सफ़ेद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लाइट की वजह से मेरे बाल जो है यहाँ पर सफ़ेद दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, वो ये गलत में निकाल दीजिए अपने। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लाइफ इज़ अ गैम्बल, तो क्यों ना जो गैम्बलिंग का गेम चल रहा है इसको खेला जाए, और बस खेला ना जाए, खुशी खुशी खेला जाए, उस गेम को जीता भी जाए। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत कमाल का एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आपने फेमस मास्टरपीस टाइटैनिक जरूर देखी होगी, अगर आपने टाइटैनिक नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में मिस कर रखी है। तो इस मूवी में जो मेन करेक्टर है हमारे जैक डॉसन, उसकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ही लिव्ड हिज लाइफ फुली, उसने अपनी जर्नी के एंड तक, मरते दम तक, उसने अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट जो था एंजॉय किया था। उसके लिए लाइफ जो थी बस एक गेम था। जैक जो था ना, वो कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसने आरएमएस टाइटैनिक की टिकट जो थी वो एक ताश की गेम में जीती थी। Just the other night I was sleeping under a bridge and now here I am on the grandest ship in the world having champagne with you fine people. अब मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप gambling करना start कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि life is a gamble। इस life में मिलती है कभी खुशी तो कभी गम। हर एक दिन एक ताश के पत्ते जैसा है। So the only message of this video is that stop complaining, life is short, enjoy every moment of it.